नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। यूपी का मौसम अब साफ हो रहा है। बुधवार को लखनऊ सहित बाकी जिलों में भी धूप दिखी, हालांकि हवा में गलन बरकरार रही। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाएं सर्दी का एहसास कराती रही। मौसम विभाग के अनुसार अब आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा, दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी की एनडीए में शामिल होने की चर्चा है। विपक्षी गठबंधन को झटका लगना करीब करीब तय माना जा रहा है। जयंत के एनडीए में शामिल होने के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल होने की खबरों के बीच बड़ा दावा किया है। पिछले साल रिलीज हुई फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर के अपोजिट रश्मिका मंदाना भी नजर आई है। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही और इसने वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया। चर्चा थी कि फिल्म की सफलता को देखते हुए रश्मिका ने अपनी फीस बढ़ा ली है और अब वो एक फिल्म के लिए 4 से 4.5 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है। अब खुद रश्मिका ने एक ट्वीट करते हुए इन मीडिया रिपोर्ट्स पर अपना रिएक्शन दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो में सफर किया, जिसका एक वीडियो सामने आया है। राष्ट्रपति का मेट्रो में सफर करने का एक वीडियो क्लिप तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से जारी वीडियो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इर्द गिर्द काफी संख्या में सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारी सतर्क दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि मेट्रो में राष्ट्रपति मुर्मू को डीएमआरसी के शीर्ष अधिकारी मेट्रो के संचालन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने मंगलवार को कांग्रेस की मौजूदा विचारधारा पर सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी नेहरू परिवार ने उनके पिता को कोई पद दान में नहीं दिया था। दरअसल शर्मिष्ठा ने एक दिन पहले भी कांग्रेस को नसीहत दी थी कि समय आ गया है कि नेतृत्व के लिए कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार से बाहर देखे। इसी पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गांधी नेहरू परिवार ने प्रणब मुखर्जी को कोई पद दान में नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अवसरवादी नेताओं के सत्ताधारी दल से जुड़े रहने की इच्छा पर चिंता जताई है। गडकरी ने कहा कि नेताओं की विचारधारा में इस तरह की गिरावट लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इतना ही नहीं, गडकरी ने यह भी कहा कि जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आतिशी ने कहा कि ईडी ने कल अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के घर 16 घंटे तक छापेमारी की। 16 घंटे में ईडी को छापेमारी में क्या मिला ईडी ने केस तक नहीं बताया। ईडी ने सारे दिखावे खत्म कर दिए हैं और अपना असली रूप सामने रख दिया है कि जो छापे पड़ रहे हैं और जो समन आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बात दिखाती है कि यह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश है। केजरीवाल छापेमारी से नहीं डरेंगे, यह दिल्ली सीएम के खिलाफ साजिश है। चुनाव आयोग ने अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही असली एनसीपी करार दिया है। एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार को मिलने पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अजीत को पार्टी मिलना मोदी की गारंटी है। राउत ने कहा, आपके पास विधायक या संसद सदस्य हो सकते हैं, अगर यह विधायक और सांसद कल चुनाव हार जाते हैं तो पार्टी का क्या होगा? पूरा फैसला गलत और पक्षपातपूर्ण है। अपने ट्वीट और बिजनेस डील को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। हालांकि इस बार किसी बिजनेस डील को लेकर नहीं बल्कि गंभीर आरोपों को लेकर वह चर्चा में है। दरअसल स्पेस एक्स के पूर्व कर्मचारियों ने रॉकेट बनाने वाली कंपनी पर भेदभाव और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भाजपा के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रही है। केंद्र सरकार पर आर्थिक अत्याचार और नाइंसाफी के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई वाली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन की योजना बनाई है। कर्नाटक के शीर्ष कांग्रेस नेता चलो दिल्ली आह्वान के तहत दिल्ली पहुंच गए हैं। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आगाज हो चुका है। कांग्रेस का दावा है कि केंद्र सरकार की नाइंसाफी के कारण साल 2017 से 2018 के बाद से अब तक कर्नाटक सरकार को 1.87 लाख करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान हुआ है। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहें हमारे साथ।